YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बड़ी खबर आपको बता दें पानीपत से, जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। बड़ी खबर आपको बता दें पानीपत से बड़ी खबर, जहां पर सीएम ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ को शुरू किया है। हरी झंडी दिखाई जिसके बाद मैराथन दौड़ शुरू हुई। बड़ी खबर आपको बता दें कई बीजेपी विधायक इस दौरान मौजूद रहे। पानीपत से बड़ी खबर आपको बता दें कई बीजेपी विधायक इस दौरान मौजूद रहे। वहीं पानीपत से बड़ी खबर, जहां पर सीएम ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। तो आपको बता दें कि आज महिला दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। वहीं पानीपत की अगर बात की जाए तो मैराथन का आयोजन किया गया और ये तस्वीरें भी आप पानीपत की देख सकते हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप रेड्डू, जानना चाहेंगे आपसे कि आज जिस प्रकार से मैराथन का आयोजन किया गया है और क्या कुछ खास कार्यक्रम आज के दिन देखने को मिल रहे हैं पानीपत में। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात जिस चीज का अनुमान लगाया जा रहा था कि हजारों की संख्या में महिलाएं इस मैराथन में भाग लेगी, वही हुआ। करीब 40,000 के करीब महिलाओं द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया और जो रिकॉर्ड की बात की जा रही थी वो लगभग टूट चुका है और हजारों की संख्या में महिलाएं आज यहां पर पहुंची। और अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी यहां पर पहुंचे थे और हरी झंडी दिखाई गई और उसके बाद ये दौड़ शुरू हो चुकी है, जो लगभग 10 किलोमीटर की दौड़ है और हजारों की संख्या में महिलाएं दौड़ रही है और फुल सुरक्षा यहां पर दी गई है। हजारों की संख्या में पुलिस कर्मचारी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए महिलाओं के साथ साथ वो भी साथ साथ चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर हरी झंडी अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री द्वारा इस मैराथन को दे दी गई है। जी, पानीपत की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ समय से पानीपत से महिला अपराधों की जो खबर है वो ज्यादातर सामने आ रही है। ऐसे में आज महिला दिवस मनाया जा रहा है, महिलाओं के द्वारा क्या कुछ प्रण इसको लेकर लिया गया या समाज के लोगों के द्वारा क्या कुछ प्रण इस दौरान लिया गया? अब बिल्कुल देखिए, क्राइम की बात आपने की महिलाओं को लेकर, बिल्कुल वो जायज है कि महिलाओं को लेकर यहाँ पर क्राइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने पानीपत में सुधार भी किया है, जो महिला रेशो उसको लेकर भी सुधार किया। यहीं से प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी और यहाँ पर लगातार इस प्रकार के इवेंट आयोजन किए जा रहे हैं। तो आज भी एक बड़ा इवेंट इसको बोल सकते हैं, महिला दिवस की उपलब्धि पर तो एक बड़ी उपलब्धि से मान सकते हैं आप। जी, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे इस दौरान कौन कौन यहां पर उपस्थित रहा, मौजूद रहा? अब बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, इसके साथ यहां पर शहरी विधायक रोहित तरेबड़ी, जो ग्रामीण के विधायक हैं महिपाल ढांडा, स्थानीय जो मेयर और समालकट के विधायक रविंदर मचरोली, तमाम विधायक, मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार यहां पर मौजूद थे और करीब 8:15 बजे के करीब ये दौड़ शुरू हुई और फिलहाल ये 10 किलोमीटर की दौड़ है और करीब आधे घंटे के बाद ये खत्म हो जाएगी। जी, शुक्रिया प्रदीप रेड्डू इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें पानीपत से, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रंग आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। पानीपत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मैराथन दौड़ शुरू हो गई है और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। साथ ही आपको बता दें कि जो तस्वीरें यहां से देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं महिला दिवस में एक खासा उत्साह नजर आ रहा है।